हेलो व्हाट्सअप गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बाबा का जोन 2.0। गाइज आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, काफी सारी जगह हम घूमने वाले हैं। देखो कहाँ कहाँ घूमेंगे, सारी चीजें हम आपको बता देंगे इस क्लिप के अंदर। भरतकुंड, हाँ जी, श्री राम जी की पादुका रखकर भरत ने यहीं से 1400 साल शासन किया था। हाँ जी, गुप्तार घाट, हाँ जी, श्री राम जी ने जल समाधि ली थी, वहीं से साकेत धाम चले गए थे वो। हाँ जी, नंबर 3 मग भूमि, हाँ जी, श्री राम जी के जन्म के लिए राज दशरथ ने यहाँ पे यज्ञ किया था। हाँ जी, राम जी का जन्म होने से पहले जो यज्ञ किया था वो यहाँ दशरथ जी ने किया था। सूर्य कुंड, यहाँ भगवान सूर्य का मंदिर और कुंड है। हाँ जी, उसके बाद कनक भवन, राम मंदिर के पास है ये कनक भवन। हाँ जी, सीता जी की रसोई है, हमें वहाँ भी जाना है। उसके बाद सरयू तट पर स्नान करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। तो गाइस आप ऐसे ऑटो वगैरह बुक कर सकते हैं, आप आसानी होगी आपको ये सारी जगह घूमने के लिए। और सारी जितनी भी जगह हम घूमे ना, सारे के नाम आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप उसमें भी घूम सकते हैं। ये देखो ऐसे ऑटो, एक हमारा ये रहा, एक पीछे है। आपको ऑटो वाले भैया का नंबर भी डाल देंगे, आप भैया को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। भैया घुमा दोगे ना सबको, सबको घुमा देंगे। नाम बताइए। सचिन गुप्ता नाम है ऑटो वाले का। नाम है सचिन गुप्ता, इनका नंबर है 8840153329। आप बताइए फोन नंबर। 8840153329। देखो सचिन गुप्ता इनका नाम है। हाँ जी, ऐसे आपको ऑटो मिल जाएंगे, आप उसमें बुक वगैरह कर सकते हैं। बाकी एक बार दिखा सकते हैं, हमारे अन्नी भाई तैयार है जाने का, मजा आएगा आज के व्लॉग में, जबरदस्त मजा आने वाला है। तो गाइस और भी मैं दिखा देता हूँ कौन कौन हमारे साथ है। ये सारे हमारे भाई बंधु, हमारे बड़े। जय श्री राम, मजा आएगा आज के ब्लॉग में, बिल्कुल मजा बांध देंगे आज के ब्लॉग में, आनंद आएगा आज, आनंद, बिल्कुल आनंद आएगा आज। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लॉकेट हटो, और भी दूसरी गाड़ी भी दिखा देते, मतलब सारे पर्सन को हम कवर करते चल रहे इस ब्लॉग में। एक गाड़ी हमने ये बुक कर रखी है, इसमें भी एक बार हेलो कर दो। तो ये सारे हमारे साथ है, मजा आएगा। कहाँ जा ले हम, कहाँ जा ले? मम्मी पापा लेके जा रहे हैं, बस हम जा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। वहाँ पे देखो, बिल्कुल अभी फाटक बंद है, यहाँ से ट्रेन जा रही है। देखो अब चलेंगे, फाटक खुलते चले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो गाइस चलते हैं अब अपने ऑटो में। सो गाइस देवकाली पहुंच चुके हैं, चेकआउट कर सकते हो, ये ऑटो से उतर के आ चुके हैं। अब चलते हैं अंदर, सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे, क्या क्या अंदर देखने के लिए है। तो चलते हैं अंदर, ये देखो सारे हमारे जो है बड़े बड़े चल रहे हैं आगे, लेडीज और हमारे ताऊ जी जो हमारे गाइड हैं वो भी हमारे आगे। तो चलते हैं उनके पीछे और सारी चीजें एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे। तो गाइस ये यहाँ पे कुंड है, एंट्री करते के साथ ही आपको कुंड, ये देखो बंदर, बंदर पानी पी रहा है पहले, ये देखो। अरे हमारे बंदर जी पानी पी रहे हैं, यहाँ पे कुंड की सफाई भी चल रही है। देखो कूड़ा निकाला जा रहा है कुंड में से, और बहुत बड़ा कुंड है, गहराई की तो हमें पता नहीं है। कमाई हो रही है, धन निकल रहा है, धन, कॉपर है, सिक्के है, चांदी के, ये वो सब कुछ। देखो बंदर किस कैश किस हिसाब से पानी पी रहे हैं, ये देखो चारों तरफ बंदर बैठे, चारों तरफ बंदर है, बिल्कुल देखो। वहाँ बड़ी देव काली का मंदिर है, ये चेकआउट कर सकते हो। ये कुत्ता हमारा चित्तो है, बहुत बड़े, देखो बच्चे फोटो खिंचाने का कितना शौक है शेर के साथ। और ये देखो चेक करो, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, माता के मंदिर है, हनुमान जी के, गणेश जी के, बहुत सारे मंदिर है घूमने के लिए। आप यहाँ पे एक बार आके बहुत सारे मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, जैसे शनिदेव महाराज का, तो सारे दर्शन करते हैं और दिखाते हैं आपको सारी चीजें। जय श्री राम। गाइस दर्शन कर लिए हमने इस मंदिर के, अब चल रहे हैं नेक्स्ट जगह पे, वो भी आपको दिखाते हैं, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और हमारे ताऊ जी अपने काम पे लग चुके हैं, सीटी बजाएंगे और सबको बाहर बुलाएंगे, ये ठीक है। तो चल रहे हैं अब, और बहुत प्यारी जगह है यार, कुंड चेक कर सकते हो, और मंदिर तो बहुत प्यारा है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, और ऑटो हमने बुक कर रखे हैं पूरे आज के दिन के लिए, तो सारी चीज़ें हम इसी ऑटो के अंदर कवर करेंगे। गाइज अब आए हम गुप्तार घाट पे, पहले तो आप लोकेशन चेकआउट कर सकते हो, कितनी बढ़िया, मतलब आप यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी कर सकते हो। ये देखो बोट वगैरह यहाँ पर लगा रखी है, बोट के चार्जेस मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखो पहले तो आप लोकेशन चेक कर लो, कितना बढ़िया, देखो बोट भी, बोट हो गए काफ़ी, यहाँ पर ट्यूब वाली राइड है। देखो बाकी हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं ताऊ जी से, बताइए ताऊ जी। ये गुप्तार घाट है, यहाँ गुप्तार घाट में ऐसा बताते हैं कि श्री राम जी अपने लास्ट समय में यहाँ से इस गुप्तार घाट में गुप्त हो गए थे। हाँ जी, और उसके बाद
जल समाधि ले रही थी। उसके बाद इसका नाम गुप्तार घाट पड़ा था जी, जैसे गुप्त हो गए थे यहाँ पर, गुप्त हुए थे भगवान राम जी। तो ये देखो कितनी बढ़िया जगह है, ठीक है ये देखो गाइस, अब बोटिंग करने का समय आ गया और देख सकते हो कितनी सजी हुई है बोटे। तो चलते हैं गाइस, चल रहे हैं बोटिंग करने, बहुत मजा आने वाला है ये देखो। चलते हैं, ये देखो ये देखो और आ गए हैं हम बोट के अंदर और मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। जय श्री राम। तो गाइस सारी इंफॉर्मेशन लेंगे, बोट चेकआउट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे अभी ये बोट स्टार्ट करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। 100 रुपए पर पर्सन की टिकट है। ताई जी कह रहे हैं मेरे को लाइफ जैकेट दो, 100 रुपए में इतना ही मिलता है। देखो हमारी बोट तैयार हो चुकी है और चल रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो गाइस सारे एक बार हेलो कर दो सारे, हेलो। तो गाइस चल बढ़िया हमारी बोट, ये देखो बढ़िया। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ताऊ जी मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ताऊ जी मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ये हमारे ताऊ जी जल भरते हुए, मैं गंगा जल ले रहा हूँ यहाँ से, गंगा जल ले रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो हम आइलैंड पे आ गए हैं। तो गाइस हम आइलैंड पे आ गए हैं, वो देखो आइलैंड पे जा रहे हैं हम, देखो चेक करो। मतलब भाई अयोध्या आके अगर तुमने इन चीजों के मजे नहीं लिए ना, तो किसी भी चीज के मजे नहीं लिए, किसी भी चीज के मजे नहीं लिए। एक चीज कहूँ, ये चीज काफी गलत है। आप जमीन के ऊपर राम का नाम लिख रहे हो और मतलब और शिवलिंग बना रहे हो, राम का नाम लिख रहे हो, ये चीज गलत है। लोगों के पैरों में आ रही है ये चीजें, तो प्लीज ये चीज आके यहाँ पे मत करें बिल्कुल भी। सो गाइस सबने अपनी फोटो वगैरह शूट कर लिया, अब निकल गए हैं। बोला जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गाइस यहाँ पे है भरत कुंड और यहाँ पे है नंदीग्राम। यहाँ पे जब हमारे राम जी वनवास के लिए गए थे, तो हमारे भरत जी ने यहाँ पे अपनी कुटिया बनाई थी और वो यहाँ पर रहे थे और वहाँ इनके नाम का कुंड बना रखा है। तो पहले आपको जल्दी से दर्शन करवा देता हूँ मैं नंदीग्राम के। तो गाइस हनुमान जी और भरत जी का जो मिलाप हुआ था वो यहाँ पर हुआ था, और जो हमारे भरत जी थे वो वहाँ रह रहे थे चरण पादुका रख के अपने भाई की, राम जी की, ठीक है। तो पहले आपको ये दिखाते हैं अंदर चल के, उसके बाद आपको मंदिर दिखाते हैं। तो गाइस ये मिलाप दिखाया हुआ है हनुमान जी का और भरत जी का, देखो। अब आपको गुफा के दर्शन भी करवाते हैं, देखते हैं यहाँ पे अंदर क्या है, आ जाइए। तो गाइस चल रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे क्या देखने के लिए है, ठीक है। कहते हैं गुफा जैसी है ये, देखो मतलब बेसमेंट जी, चेक कर सकते हो मतलब ये देखो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जो राम को लाए हैं पूरे 14 वर्ष। तो गाइस यहाँ पर हमारे भरत जी ने बैठकर तप किया था, ये देखो। यहाँ पे हमारे भरत जी ने तप करा था। तो गाइस ये देखो, ये राम जी की चरण पादुका के दर्शन यहाँ पर आप कर सकते हो, जब भरत जी ने अपने सामने रख के यहाँ पर यज्ञ मतलब तप किया था, तप करा था। ये देखो सामने रखी हुई है, चेक करो। तो गाइस ये भरत कुंड है, आप भरत कुंड भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे मंदिर है और ये पूरा भरत कुंड, ठीक है। चेकआउट कर लो, यहाँ पर भी आप बोटिंग वगैरह के कर सकते हो। 100 रुपये पर पर्सन के यहाँ पे चार्जेज है यहाँ पर भी, मगर कुंड ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। तो आप लोगों को अगर बोटिंग करनी है तो आप यहाँ पर बोटिंग वगैरह कर सकते हैं, देख लो। सो गाइस अब हम आपको उस जगह पे लेके आए जहाँ पर राम जी के पिता श्री दशरथ जी ने समाधि ली थी, ये वो जगह है, चेक करो। यहाँ पर इनका गेट है, अब चलते हैं अंदर। अंदर का भी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ, आ जाओ अन्नी भाई, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, चलो। तो गाइस चलते हैं अंदर और दिखाएंगे आपको सारी चीज, आ जाओ।
देव जी से थोड़ा ज्ञान लेंगे, यहाँ के बारे में बताइए देव जी। ये राजा दशरथ जी का समाधि स्थल है। हाँ जी। जहाँ उन्होंने समाधि ली थी। हाँ जी। समाधि दो प्रकार की होती है। हाँ जी। एक तो जहाँ उनका अंतिम संस्कार होता है, ठीक है, उस स्थल को समाधि स्थल बना दिया जाता है। हाँ जी। और एक होता है जहाँ ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं और वहीं अपने प्राण छोड़ देते हैं। बिल्कुल। और वहीं उनके शरीर को समाधि रूप में परिवर्तित किया जाता है। हाँ जी। और राजा दशरथ जो थे, जिनको हम राजा दशरथ कहते थे, वो राजा नहीं थे। हाँ जी। बल्कि दशरथ जी जो थे वो सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट। हाँ जी। अगर उनकी शक्ति का अंदाजा आप लगा सकते हैं तो आसान शब्दों में बता सकते हैं कि जो रावण था और रावण की जो सेना थी, हाँ जी, चक्रवर्ती सम्राट राजा जो दशरथ थे वो उनसे भी कई ज्यादा शक्तिशाली थे और उनकी सेना उससे कई गुना मतलब बड़ी थी। अच्छा। तो आप सोच सकते हो कि रावण कुछ भी नहीं था। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी उनके पुत्र के अंदर इतने संस्कार थे अपने पिता के प्रति कि उन्होंने अपने पिता की सहायता न लेकर अपने दम पे सभी वर्णों को, सभी जातियों को, सभी प्राणियों को एकजुट किया और राम सेतु का निर्माण करके अरलंका में प्रवेश करा। हाँ जी। और रावण जैसे अधर्मी का उसके कुल सहित विनाश कर दिया। हाँ। और ऐसा विनाश किया कि उसके पूरे परिवार के अंदर एक भी उसकी चिता को आग देने वाला या उसके परिवार में दीपक जलाने वाला नहीं जिंदा छोड़ा। बिल्कुल। तो ये थे राजा रामचंद्र जी और ये थे इनके पिताजी दशरथ जी। बिल्कुल। दशरथ जी ने रावण को 3 बार युद्ध में पराजित किया था। अच्छा। तो जिस रावण को लेके आज ये भ्रांतियां फैलाई जाती है ना कि ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली था। हाँ जी। तो राजा दशरथ जी ने 3 बार उनको परास्त किया था। हाँ जी। और चक्रवर्ती सम्राट के लिए मैं बता दूं कि हमारे लोगों को पता नहीं होता चक्रवर्ती सम्राट कहते किसको है। हाँ जी। एक तो राजा होता है जो राज करता है अपने राज्य पे। बिल्कुल। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट वो होता है जो इन सभी राजाओं पे राज करता है, उसको कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट। तो देख सकते हैं आप, मतलब ये थे हमारे दशरथ जी। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेना और आप लोगों को प्रोवाइड करने, देखो ये पूरा टेंपल बना हुआ है दशरथ जी के ऊपर, यहाँ जहाँ उनने समाधि ली थी और यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख सकते हो बहुत बढ़िया के अंदर। इसलिए हम अपने व्लॉग बनाते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए और अयोध्या का व्लॉग ही इसलिए स्पेशल है। तो गाइज ये पड़ती है अपना यूपी के अंदर दर्शन नगर, सूरजकुंड नाम से बहुत फेमस है, तो आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और बात करें यहाँ के टिकट प्राइस की तो वो 100 रुपये रहने वाली है टिकट इसकी, 100 रुपये टिकट सूर्यकुंज एंट्री की। और अगर आप लाइट शो वगैरह देखना चाहते हो तो उसकी 30 रुपये टिकट है। बाकी सारी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, आप पॉज करके देख सकते हो। बात करें पार्किंग की तो सूर्यकुंज पार्किंग अप टू 4 घंटे, बाइक की 20 रुपये, ऑटो की 30 रुपये, गाड़ी की 40 रुपये, सारी यहाँ पर लिखी है, आप देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ इनका टिकट काउंटर होने वाला है, यहाँ पे ऑनलाइन भी आप टिकट ले सकते हैं, यहाँ से ऑनलाइन आपकी टिकट मिल जाएगी आपको, मात्र 10 रुपये के अंदर आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। ऐसा कुछ इनका एंट्री गेट होने वाला है, तो एंट्री लेते हैं यहाँ से तुरंत अंदर और वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंट्री लेते के साथ ही देखो इतना बढ़िया यहाँ पर ये सोलर पैनल का ये लगा हुआ है और नीचे फ्लावर चेक कर सकते हो, फूल नहीं पत्ते हैं ये, ऊपर ये डिजाइन बना रखा फूल का और चेक कर सकते हो काफी बढ़िया सुंदरता। गाइज आप लोग चेक कर सकते हो, मतलब इतनी सुंदरता यहाँ पर है ना जिसका कोई वर्णन कर नहीं सकते हम लोग। और ये गोभी के फूल है, फूल इधर वो देखो, मतलब बहुत बढ़िया सुंदरता यहाँ पर आप देख सकते हैं। फोटो वगैरह खिंचाने के लिए बहुत बढ़िया प्लेस है ये। ये देखो भाई काफी बढ़िया यहाँ पर फूल से डेकोरेशन वगैरह करी गई, सारे टाइप के फूल यहाँ पर है और पूरा यहाँ पर ध्यान रखा जाता है, लाइटिंग शो के द्वारा यहाँ पर रामायण दिखाई जाती है। जो भगवान राम जी के जन्म के 6000 वर्ष पहले से बह रही है, गुरुवर्षित जी महाराज की देन है जो कि अयोध्या में सरजू जी विद्यमान है। सूर्यकुंड भगवान राम जी के जन्म के समय का है, जूते चप्पल निकाल दीजिएगा। गाइज इस कुंड में आप आके फोटो वगैरह भी खिंचा सकते हैं, आप यहाँ पे फोटो वगैरह भी खिंचा सकते हो और मछलियाँ भी हैं इसके अंदर, अगर आपको दिख रहा हो देखो यहाँ पर पानी वगैरह, ये देखो यहाँ पर आपको मछलियाँ भी देखने को मिल जाएगी। देखो मेरे को तो दिख रही है क्लियर क्लियर, यहाँ सामने मछलियाँ हैं, ठीक है, मछलियाँ वगैरह आप यहाँ पर फोटो वगैरह क्लिक करवा सकते हैं। ये देखो और यहाँ पर जो आप बीच में देख रहे हो यहाँ पर लाइटिंग शो वगैरह होता है, रामायण दिखाई जाती है यहाँ पर, और शाम को यहाँ पर 30 रुपये की टिकट कर दी जाती है। देखो ये सारा जो है 30 रुपये की टिकट कर दी जाती है और इसके अंदर मछलियाँ हैं देखो, तो आप लोग यहाँ पर आराम से बैठ के यहाँ पर सीढ़ियों पे बैठ के आप यहाँ पर पूरे रामायण का उत्सव उठा सकते हैं। और यहाँ पर लाइटें भी लगी हुई हैं साइड में, आप लोग ये देख रहे हो लाइटें वगैरह लगी हुई हैं। तो गाइस यहाँ पर बात करें आप लोग काफ़ी सारी फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं कुंड के यहाँ पर, और यहाँ पर शाम को लाइटिंग शो होता है, रामायण दिखाई जाती है, और यहाँ पर फूलों की बहुत बढ़िया सुंदरता कर रखी है।
हर कलर के फूल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, चेक कर सकते हो आप यहाँ पर फोटो वगैरह आराम से क्लिक वगैरह करवा सकते हैं। सूरज कुंड की खास बात यह है यहाँ पर आप दर्शन भी कर सकते हैं सूर्य भगवान के, और ये देखो चेक करो, ठीक है ये देखो काफी बढ़िया यहाँ पर शो चलता है, आप शो का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। और ये देखो यहाँ पर सूर्य भगवान की मूर्ति रखी हुई है जो खुदाई के दौरान निकली थी, ठीक है ये देखो चेक कर सकते हो, भीड़ भी है यहाँ पर। और ये देखो पेड़ वगैरह काफी बढ़िया यहाँ पर सुंदरता कर रखी है, तो यही कहूँगा बहुत बढ़िया व्यवस्था है अयोध्या के अंदर, यूपी के अंदर हमारे योगी सरकार ने बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। ये देखो गाइस ये मंदिर है यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं, तो हम भी यहाँ पर दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर आप दर्शन भी कर सकते हैं यहाँ पर, ये देखो सारे दर्शन कर रहे हैं, आप लोग भी यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप यहाँ पे अपने बच्चों के साथ आते तो आप यहाँ पर झूले वगैरह भी झूल सकते हैं, आप लोग भी झूल सकते हैं, आपके बच्चे भी झूल सकते हैं, यहाँ पर झूलों की कॉस्टिंग लगने वाली है तो आप लोग आके झूले भी झूल सकते हैं यहाँ पर। और बट एक चीज़ कहूँगा यहाँ पर आप आके ना शूट वगैरह कर सकते हो, अपने गाने अगर शूट करने तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। और मतलब इतना बढ़िया प्लेस है, क्या कहोगे अन्नी भाई? बहुत बढ़िया, देखो कितने प्यारे प्यारे फूल लगे गाइस, फूल देख सकते हो आप इतने प्यारे प्यारे यहाँ पर लगे हुए हैं, चेक कर लो मतलब इतने प्यारी प्यारी जगह है यहाँ पर, बहुत प्यारी प्यारी। ये देखो काफ़ी बढ़िया वैरायटी के यहाँ पर फूल लगे हुए हैं, तो आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हो, मात्र 10 रुपये की टिकट में आप यहाँ पर बहुत सारा इन्जॉय कर सकते हो, अनलिमिटेड इन्जॉय कर सकते हो। अगर आपको फोटोएं प्यारी प्यारी खींचनी है तो आप ये देख सकते हो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर, वो चेक करो वो ट्राइंगल चेक कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया के अंदर यहाँ पर होने वाला है। और यहाँ पर आप जैसे कैमरा मैन ला के अपनी फोटो वगैरह भी शूट करवा सकते हो, तो गाइज आप यहाँ पर पूरा इन्जॉय कर सकते हो। बट मेन पर्पस यही था, आप यहाँ पर बहुत सारी फोटो वगैरह क्लिक करवा सकते हो काफ़ी बढ़िया बढ़िया एंगल से, आप यहाँ पर अपना खुद का कैमरा सब कुछ अलाउड है यहाँ पर, कैमरा ड्रोन वगैरह सारी चीज़ें अलाउड है यहाँ पर, तो आप ला सकते हो, ठीक है। और थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक ब्लॉग देखा है, तो टिकट प्राइस 10 रुपीज़ है, पार्किंग वगैरह सारे चार्ज मैंने क्लियर कर दिए हैं, और लोकेशन वगैरह सारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, जय हिंद जय भारत, शब्बा खैर। सो गाइस देखे आपने सारे व्लॉग, बहुत एंजॉय करा हमने अयोध्या के अंदर। हन्नी भाई कैसा लगा आपको? भाई बहुत मजा आ गया, मजा आया, हमारे व्यूअर्स को भी बहुत मजा आएगा जो देखेंगे व्लॉग। बिल्कुल, तो गाइस ताऊ जी आज आखिरी है जा रहे हैं ट्रेन में, कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा, श्री राम जी ने बुलाया। हाँ जी, विष्णु परिषद का बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोग आए बड़े प्यार से दर्शन किए। हाँ जी, सब ने बहुत से सब कुछ सब बहुत अच्छा रहा, बिल्कुल भोजन बहुत अच्छा था, अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, सब लोगों का तालमेल बहुत अच्छा था। हाँ जी, मौसम राम जी ने बहुत अच्छा कर दिया है। हाँ जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम, जय श्री राम, बड़े बड़े दो बात बोलेंगे सर। सो गाइस देखिए आपने पूरी अयोध्या सीरीज, ठीक है, सारे हमने पूरा अयोध्या कवर कर दिया, हमने सारे मंदिर वगैरह घूम लिए और अमेजिंग मोमेंट था। अब यहाँ से निकल रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन का टाइम हो चुका है तो चल रहे हैं। गाइस अब दिल्ली पहुँचने वाले हैं, ये हमारे अंकल। अंकल कैसा लगा आपको सारी चीजें? मैं पहले तो अपना परिचय देना चाहूँगा, मैं कालकाई जिला अध्यक्ष महिंदर अग्रवाल विश्व हिंदू परिषद से। हाँ जी, और नेहरू प्लेस मार्केट का प्रेजिडेंट महिंदर अग्रवाल। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा इस जर्नी के बारे में कि ये इतने सुखद अयोध्या जो हम गए, अयोध्या जब गए तो हमारे को वहाँ इतना सुंदर इंतजाम मिला रहने खाने के लिए और सोने के लिए, वाकई में ऐसे सुंदर इंतजाम है। आप भी अगर जब अयोध्या आएंगे तो आप भी इतना सुखद अनुभव पाएंगे, जब आप घर पर रहेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि अयोध्या नगरी क्या है। प्रभु श्री राम लला के जब दर्शन किए हमने तो हम इतने आनंदमय हो गए हैं, तो मैं आप सबको भी वापिस आने के लिए आमंत्रण करना चाहूँगा और निमंत्रण भी देना चाहूँगा कि आप भी अयोध्या आए और रामलला के दर्शन पाए, जिससे आपका भी जीवन सुखमय हो जाए। और सनातन धर्म के अलावा इस संसार में कोई और धर्म है ही नहीं है, बाकी सबने धर्म के नाम पे अपनी अपनी दुकानें तो जरूर खोल रखी है, क्योंकि अब उनकी दुकानें बंद होने जा रही हैं, क्यों? दोबारा से राम लला जी आ गए हैं और अब राम में हो गया है, और ये सतयुग की शुरुआत है जो आप देख रहे हैं अयोध्या जैसी नगरी के अंदर। बाकी और जो भी हमारे धाम है, अब आप देखिए वहाँ पर सारे हिंदू जाग चुका है, कोई हिंदू सोया नहीं है। अब बाकी मैं उन अदब जो दुकानें खोल के बैठे हुए जो धर्म के नाम पे, अब मैं उनको भी आगाह कर देना चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ आए
और सनातन धर्म में वापिस शामिल हो जाए। आप चाहे किसी भय से किसी डर से आप किसी और धर्म में चले गए थे, लेकिन आज हम विश्व हिंदू परिषद की तरफ से और एक सनातन धर्म की तरफ से मैं आप सबको वापिस घर वापसी के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। तो गाइस हमारी बहुत बढ़िया यात्रा रही और दिल्ली हम पहुँचने वाले हैं, सारे हमारे साथ थे हमारी सीट पे। जय श्री राम, जय श्री राम। ये हमारी वो वाली आंटी जी ने जो फोन में से देख देख के भजन गा रही थी। बताइए अंकल कैसा आपका अनुभव रहा? बहुत अच्छा रहा, सारी व्यवस्थाएं ठीक, कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं, और हमारे जैसों के लिए खाना भरपूर। हमारे जैसों के लिए बिल्कुल कोई कमी नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत नवीनतम। जैसा आंध्रा का खाना है बिल्कुल नवीनतम के मुकाबले का था, मतलब खाने में कहीं पे भी कोई कमी नहीं है। मजा कैसा भी लगा जैसे रामयुग फिर से वापस आ गया है। हम रामयुग में अपने आप को महसूस कर रहे थे कि हमने ना कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल, तो कोई भी हमें परेशानी वगैरह नहीं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम सभी का जिनकी बदौलत हम यहाँ पे आए। और ट्रेन बहुत ज़्यादा स्पेशल थी, पूरी एसी वाली फीलिंग थी, चेक कर सकते हो सारी चीज़ें। और साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखा गया, खाना वगैरह टाइम पर। बिल्कुल, इस ट्रेन के अंदर 1545 यात्रियों ने यात्रा की जो दिल्ली से अयोध्या धाम तक पहुंचे, और सभी खुश है इस यात्रा से। और अब अगली यात्रा पे हम अपने दोस्त और अपने भाई के साथ फिर दोबारा से मिलेंगे। बिल्कुल, जय श्री राम। तो भाई चलते हैं, हम दिल्ली में एंट्री करेंगे बहुत बढ़िया, और व्लॉग को वहीं खत्म करेंगे अपने। तो चलिए ले चलते हैं आपको दिल्ली। ये जो रात का खाना था इसे फेंकने से पहले हम बंदरों को देना बढ़िया रखेंगे। देखो बंदरों को दे रहे हैं, बंदर आएंगे अपने आप लेके चले जाएंगे। ये देखो, ये हमारे अंकल को जी को दे दी है, वो देखो ये हमने रख दिया, बंदर आके अपने आप इन्हें ले जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब ये लड़ाई करेंगे कि कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा। ये देखो गाइस, फाइनली पहुंच चुके हैं दिल्ली। कैसी रही आपकी यात्रा? बढ़िया, जय श्री राम। तो गाइस पहुंच चुके हैं दिल्ली, हमारी पूरी फैमिली आ गए, सामान वगैरह ले लिया, अब चलते हैं ऊपर।